तो जनरल सेल्फ स्टडी में हम लोग का जो पढ़ने का क्रम चल रहा है, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट नंबर 1 का जो इतिहास में एक पोर्शन दिया हुआ है, गीता, उपनिषद, वेद, कर्म, पंच महायज्ञ, पंच महासिद्धांत, ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ चुका था, रेणी के बारे में पढ़ लिए थे, उसके बाद पंच महायज्ञ के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा टॉपिक है कर्म का सिद्धांत, मतलब कर्मा प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। मतलब आप अगर क्या कर्म करेंगे तो उसका क्या फल होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने हैं। तो चर्चा करने के विषय में इसमें ज्यादा आपका सवाल बनने का बहुत कम चांस है, लेकिन इसमें थोड़ा समझने का बहुत है कि आप जो इस सांसारिक जीवन में, इस सामाजिक जीवन में करते हैं उसका क्या फल होने वाला है, क्या इम्पैक्ट आपके लाइफ में पड़ने वाला है, इससे ज्यादा रिलेटेड है। सवाल बहुत कम बनने वाले हैं, सवाल में आपको कुछ है, दो चार टर्म है वो उन्हीं से बनने वाले। तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं कर्म क्या है। तो कर्म मतलब ये होता है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कर्म को आप कार्य से जोड़ के देखिए। जो भी आप भौतिक कार्य कर रहे हैं, मानसिक कार्य कर रहे हैं, या फिर आप शारीरिक कार्य कर रहे हैं, ये आपका कार्य है। कार्य कार्य मतलब कर्म मतलब हमेशा प्रेरित होता है किससे, कर्म का सिद्धांत हमेशा प्रेरित होता है परिणाम से, परिणाम यानी फल से। जहां भी आप कोई फल की चिंता करते हैं या आप कोई रिजल्ट की चिंता करते हैं, उसके लिए जो आप कार्य करते हैं वही कर्म कहलाता है, चाहे वो कोई भी कर्म हो। जैसे आप अगर पढ़ाई करते हैं, आपका वहां पर रिजल्ट क्या, आप सोचते हो कि हमको ये पद पाना है, ऐसा ऐसा होना है। आप मेहनत करते हो, खेती किसानी करते हो, आपका क्या करते हैं, आपका दिमाग में क्या चलता है, हमको ये फल प्राप्त होगा, इतना क्विंटल गेहूं होगा, इतना क्विंटल धान होगा। तो ये सब क्या होता है, कर्म होते हैं। कर्म इसमें आप सबको मालूम होता है कि कर्म अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये कहीं से वैसे डिसाइड है नहीं कि कर्म बुरे होते हैं कि अच्छे होते हैं, ये हम लोगों ने बांट लिया। अब बुरे और अच्छे कर्म की विशेषता और पहचान क्या होती है कि जिस भी कर्म से, जिस भी कार्य से आप किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर रहे हैं, उसको पीड़ा हो रही, वो हमेशा जनरली हम लोग बुरे कर्म मानते हैं। और अच्छे कर्म जिससे दूसरे व्यक्ति को खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता हो, अच्छा लगता हो, वो अच्छे कर्म कहलाते हैं। तो ये हुई कर्मों की चर्चा, और बाकी आगे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। कर्म का सिद्धांत ये भी कहता है कि आप जो कर्म अभी करेंगे उसका परिणाम भविष्य में मिलने वाला है, या फिर आपको जो अभी कुछ परिणाम मिल रहा है वो अपने पास्ट में काम किया होगा, ठीक है ना। तो हम लोग कर्म को मोस्टली तीन भागों में बांट के चलते हैं। कर्म हम लोग को ज्यादातर इसमें यही वो करना है कि जब एग्जाम में आपके यही आ सकता है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उसमें चार ऑप्शन दे दे, ये है, ये नहीं है, इस तरह के आएंगे। गीता के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं, और फल के आधार पर कर्म कितने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और कुछ कर्म हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कर्म कितने भागों में डिवाइड, ठीक है। तो कर्म को सबसे पहले यहां से हम लोग देख लेते हैं, तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको कायिक कर्म बोला जाता है, कायिक कर्म। दूसरा आपका कर्म है वाचिक कर्म, वाचिक कर्म। और तीसरा आपका कर्म है वो है मानसिक कर्म। अब इनको हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। जैसा कि नाम है कायिक, कायिक मतलब होता है आपका काया, काया मतलब होता है आपका शरीर यानी बॉडी। जो भी कर्म आप अपने शरीर से करते हैं, मतलब फिजिकली करते हैं, फिजिकल, ये आपका कायिक कर्म के अंतर्गत आता है। आप सब लोग जानते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, और जो भी खेलते हैं, कूदते हैं, जिसमें आपका शरीर का योगदान होता है, वो कायिक कर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक। फिर आता है आपका वाचिक कर्म। वाचिक मतलब होता है वाणी, वाणी मीन्स आपकी आवाज, ध्वनि, मतलब जो भी कर्म आप बोल के करते हैं वो आपका वाचिक कर्म आता है। जैसे कोई टीचर हुआ, अब पढ़ा रहा है, वो बोल के पढ़ा रहा है, ये वाचिक कर्म है, ठीक है। तो वाचिक कर्म मतलब वाणी, वाणी ध्वनि से में रिलेटेड, ठीक है, ये आप समझिए। मानसिक कर्म, मानसिक कर्म मतलब दिखता नहीं है। आप देखेंगे कि फिजिकल मतलब कायिक कर्म आपको दिखेगा,
और वाचिक कर्म आपको दिखेगा, बट मानसिक कर्म होता है जो वो आपके मन में चलता है। इसका मतलब मन में ये तीन कर्म विभाजित है कर्म में, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि रामायण में तुलसीदास ने भी कहा है कि कर्म प्रधान बिच रचि राखा, मतलब कर्म ही प्रधान है, उन्होंने ये वर्णन किया है। और एक वो वाला भी चौपाई है कि सकल पदार्थ है जगमान, कर्म ही ने नर पावत नहीं, मतलब कर्म का ही यहाँ पर प्रिंसिपल रामायण में भी दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा कर्म तीन तरह के होते हैं, कायिक वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। ये तो हुए साधारण तरीके से अकर्म का विभाजन। अब गीता में किस तरह का विभाजन किया हुआ अकॉर्डिंग टू गीता, गीता में कर्म किस तरह है, इसमें भी अगर देखा जाए तो गीता में भी तीन तरह से कर्मों का विभाजन किया गया है। इसमें आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यही क्वेश्चन आने की संभावना है कि गीता के अनुसार क्या है और नॉर्मल कर्म क्या है। तो गीता के अनुसार तीन प्रकार के कर्म है आपके, पहला है आपका सात्विक कर्म, सात्विक कर्म। दूसरा आपका कर्म है राजस कर्म, राजस कर्म। और तीसरा प्रकार का आपका फिर से इसमें है आपका तामसिक कर्म। जैसा कि जनरली हम लोग डे टू डे लाइफ में ये देखते हैं कि ये शब्द आप लोगों को पता है सात्विक कर्म। सात्विक कर्म मतलब थोड़ा सा अच्छा होता है, मतलब ये शब्द ही होता है सात्विक, जैसे कहते हैं ना सात्विक भोजन, मतलब बहुत बेहतरीन और अच्छा। तो इसमें क्या होता है सात्विक कर्म में कि किसी भी व्यक्ति को इसमें अपने फल की चिंता नहीं होती है, समझ रहे हैं आप ना। जब फल की चिंता मतलब रिजल्ट या फल की चिंता बिल्कुल नहीं होती है उस कर्म को हम सात्विक कर्म करते हैं। वो व्यक्ति वहां पे का मोस्टली आप देखते हैं साधु संत ऋषि मुनि, इन लोगों का ये प्रकार जो होता है सात्विक कर्म करने का तरीका होता है। इनको फल की कोई चिंता नहीं है, बस अपना कर्म करते जाते हैं और फल जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो सात्विक कर्म को यही है जिसमें फल की चिंता विशेषता नहीं की जाती है। सबसे आज के युग में भयंकर जो कर्म का टाइप है राजस कर्म, जो हम सभी लोग करना चाहते हैं और करते भी है, जिसमें अत्याधिक मेहनत या फिर परिश्रम लगती है, मतलब हार्डवर्क, हार्डवर्क ये आपका राजस कर्म। अब जब हार्डवर्क व्यक्ति करेगा तो हार्डवर्क में क्या उसको फल की चिंता नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई स्टूडेंट हार्डवर्क करता है, पढ़ाई करता है, रात भर करता है, दिन भर करता है, तो क्यों करता है, उसको फल की चिंता नहीं है, बिल्कुल फल की चिंता है। तो ये राजस कर्म में यही हार्डवर्क आता है। एक किसान होगा, एक लेबर होगा, एक कोई भी व्यक्ति होगा जो हार्डवर्क करता है और फल की चिंता इसमें बिल्कुल होती है, मतलब फल की चिंता इसमें होती है, ठीक है। ये आपका राजस कर्म के अंतर्गत आता है, ठीक। अब तीसरा नंबर का है आपका तामसिक कर्म। तो तामसिक कर्म में मोस्टली आप लोग को लग रहा होगा सात्विक का उल्टा होता है, नहीं, तामसिक का ये मतलब होता है कि जब कोई कर्म व्यक्ति कोई करता है लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता है कि हम ये किए जा रहे हैं इसका फल क्या होगा उसको नहीं पता होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा उसके लाइफ में वो भी नहीं पता होता है। हार्ड वर्क भी करता है, कर्म भी करता है, लेकिन उसको एक उसके दिमाग में क्लियरिटी नहीं रहती है कि हमको क्या होगा इससे, ठीक है। जैसे तामसिक कर्म में यही है कि फल की चिंता का तो पता ही नहीं होता, फल की चिंता का पता ही नहीं है, अज्ञानता है उसके दिमाग में, ठीक है ना। अब जैसे देखते हैं हम लोग कभी कभी, हम लोग देखते हैं क्या, कोई भी व्यक्ति मान लीजिए कोई कंपनी खोल दिया, फैक्ट्री खोल देता है, ठीक है ना, लेकिन उस वो खोलना तो चाहता है कि हम इससे ये प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन उसको ये भी नहीं मालूम होता है कि अगर हम ये कंपनी खोलेंगे तो पर्यावरण का कितना नुकसान होता है, पर्यावरण से ज्यादा वहां पर रहने वाले लोगों का कितना नुकसान है। तो ये सब तामसिक कर्म के अंतर्गत आते हैं जिसमें अज्ञानता, सबसे बड़ा शब्द यहाँ पर अज्ञानता है, उसको मालूम नहीं होता है, ठीक है, मतलब फल की वो चिंता करने का सवाल ही नहीं जब उसके अंदर अंतर्गत। तो इस तरह से गीता में, गीता के अनुसार तीन तरह के आपको कर्म की हमने बात किया, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि एक कर्म, कर्म के और कितने प्रकार, अगर सारे प्रकारों को देख लिया जाए तो आप अभी अभी तक छह प्रकार हो गए, उसके बाद
कर्म का सबसे बड़ा बात यही है, कैटेगराइज किया गया है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फलों के आधार पर, मतलब कि रिजल्ट के आधार पर कितने तरह के कर्म होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे जन्म, पुनर्जन्म की, पूर्व जन्म की और आने वाले जन्म की, ठीक है ना। तो इस तरह इसको हम लोग रफ कर देते हैं। तो छह प्रकार के कर्म हो गए। अब हम लोग, हमने पहले ही कहा इसमें ज्यादा प्रीलिम्स में सवाल बनने का कम है, लेकिन आपको एक समझ डेवलप करने के लिए टॉपिक रखा गया है कि आपके मन में एक समझ डेवलप हो और आप खुद एक प्यूरिफाइड फॉर्म में इंसान बन सके, ठीक है। तो तीसरा तरीका हम लोग का है कि फलों के आधार पर वर्गीकरण, फलों के आधार पर, ठीक है। अब फलों के आधार पर भी अगेन तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो तीन भागों में हम लोग जानने से पहले तीन चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। हम लोग टेंस पढ़ा है, काल पढ़ा है, अंग्रेजी के ग्रामर में पढ़ते हैं, जिसको एक को कहते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य, ठीक है। प्रेजेंट हम सबको मालूम है, अभी जो हम जीवन जी रहे हैं उसको प्रेजेंट कहते हैं, और जो भी समय अभी से कुछ समय पहले, कुछ देर पहले बीत गया है उसको पास्ट कहते हैं, और फ्यूचर जो अभी समय आया नहीं है लेकिन आने वाला है, ठीक है। ये इतना बात आप सब लोगों को क्लियर होगी। अब ये समझाने के बाद हम लोग फलों के आधार पर ये चर्चा करेंगे कर्म कितने हैं। तो तीन तरह के यहाँ पर अगेन है, ठीक है, तीन तरह। नंबर एक संचित कर्म, ठीक है। नंबर दो आपका आता है प्रारब्ध कर्म। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है थोड़ा यहाँ पर प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म। उसके बाद तीसरा आता है क्रियामाण कर्म, ठीक है। क्रियामाण कर्म को ही संचीयमान कर्म बोला जाता है, ठीक है, क्रियामाण। अब इसके बाद अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हमने समझा काल इस तरह होते हैं, उसके बाद संचित कर्म की बात करते हैं। तो संचित कर्म का ये मतलब होता है कि आपने जो कर्म पूर्व जन्म में किए हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा। आपने जो काम या फिर कर्म पूर्व जन्म में किया है वो आपके क्या है, संचित कर्म कहलाते हैं। चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम है, उसका इम्पैक्ट फिर आपके वर्तमान लाइफ में दिखेगा। मतलब पूर्व के समय में किया हुआ जो कार्य है या फिर पूर्व के जन्म में किया गया जो कार्य है वो संचित कर्म कहलाता है, ठीक। वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा, ठीक। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म के का मतलब है कि जो आपने, एक व्यक्ति है उसके जीवन में अभी बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं हो रही हैं, उसके जीवन में बहुत खुशहाली है, और एक व्यक्ति है दूसरा जिसके जीवन में बहुत दुख है, तो इसमें प्रारब्ध कर्म आता है। प्रारब्ध कर्म का ये मतलब है कि आप जो पूर्व का कर्म किए हैं वो वर्तमान में भोग रहे हैं। ये यहाँ पर एक छोटी सी लाइन है, वर्तमान में भोगना, ये आप कोड याद रखिएगा। संचित कर्म क्या है, पूर्व जन्म का कर्म है, और वही पूर्व जन्म का जब वर्तमान में आप भोग रहे हैं उस कर्म के जो इम्पैक्ट है उसके फल को, वो है आपका प्रारब्ध कर्म, ठीक। उसके बाद आप देखिए, अब जब आप पूर्व कर्म का यहाँ पर आपको भोगना पड़ेगा तो उसके उसमें आप बिहाफ में आप कुछ काम करेंगे तो वो आपका प्रारब्ध कर्म बनता चला जाएगा, ठीक। अब यही फिर एक आता है क्रियामण कर्म। क्रियामण या फिर संचीयमान कर्म है, तो उसका मतलब ये है कि क्रियामण या संचीयमान कर्म, इसका मतलब ये है कि जब आपके ये वर्तमान समय में आप क्या कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होंगे, तो ये वर्तमान कर्म जो है ये आपके भविष्य को डिसाइड करेगा। मतलब जो अभी आप काम कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपको भविष्य में भोगना पड़ेगा। वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, समझ गए। तो आप यहां से, इसीलिए मैंने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को देके देखा। तो अगर पास्ट की बात करें तो संचित कर्म से रिलेट करिए, प्रारब्ध कर्म वर्तमान कहलाता है, और क्रियामण में वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं उसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये आपका क्या कहलाएगा, क्रियामण कर्म, ठीक है।
यहाँ पर सीधा सीधा सवाल आपसे एक एक शब्द में बोला पूछा जा सकता है, वर्तमान में जो आप भोग रहे हैं तो कौन सा कर्म है? प्रारब्ध कर्म। जनरली ऐसे सवाल बनने वाले हैं नहीं, लेकिन आप फिर भी सजग रहिए। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये आपका तीन तीन तरह के, नौ तरह के हम लोग कर्मों की बात कर लिया है। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेंगे कि कर्म के तत्व क्या है या फिर कर्म की विशेषताएं क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कर्म में क्या क्या चीजें होती है। तो स्टार्टिंग में हमने बात किया, इसको हम लोग कर्म एलिमेंट्स दे सकते हैं, कर्म के तत्व। तो सबसे पहला तत्व है या फिर पहला सिद्धांत ये है कि कर्म जो है कर्म और फल का चक्र होता है। मतलब कर्म फल चक्रण, ये आप पहला पॉइंट नोट करेंगे। तो कर्म फल का चक्रण हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने बात कर लिया है कि ये एक आपका लाइफ साइकिल है। यहां पर आप हैं, आप कुछ कर्म किए, आपका पुनर्जन्म हुआ और इसका रिजल्ट या इम्पैक्ट मिला, वहां पर भी आपने कुछ कर्म किया, फिर इसका रिजल्ट यहाँ दूसरे जन्म में मिला। तो कर्म और फल का चक्र चलता रहता है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलने वाला है, ऐसा कर्म मिलना है। अगर अच्छा आप काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बुरा मिलेगा। ये जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो कर्म और फल का चक्रण चलता ही रहता है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे बात हम लोग करते हैं, तो इसमें हम लोग ये कहते हैं कार्य और कारण का नियम। कार्य और कारण का नियम, ठीक है। तो ये कार्य और कारण का नियम हम सभी को मालूम है, आप अगर डेली लाइफ में फिर कैसे भी देखते हैं तो कार्य और कारण का नियम हर जगह लागू होता है। कि अगर अगर कोई हम लोग कार्य कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन होगा। ये सबसे पहला पॉइंट। अगर हम लोग चोरी कर रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। चोरी करना आपका कार्य हो गया, अब कारण वो कुछ भी हो सकता है, आपको पैसे की तंगी हो सकती है, आपको अच्छी लग्जरी लाइफ जीना है, किसी को परेशान करना है, ये आपके कारण अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कोई भी कर्म करने के लिए आपके पास कारण होगा ही होगा, ये सिद्धांत है कर्म का। तो कार्य और कारण का सिद्धांत इसमें लागू होता है। आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपका कारण क्या है, कोई किस वजह से पढ़ा है, किसी को कलेक्टर बनना है, किसी को डिप्टी कलेक्टर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, तो और किसी को बड़ा आदमी बनना है, किसी को अपने माता पिता के सपने पूरे करने हैं, तो वहां पे भी कारण काम करता है, नहीं तो आप काम नहीं करने वाले। ठीक है, खेती किसानी करने वाला व्यक्ति में भी कारण काम कर सकता है, वो भूखा है इसलिए काम करता है, उसको अनाज खाना है इसलिए काम करता है, उसको बेचना है इसलिए काम करता है। तो कारण का सिद्धांत यही कहता है, आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद मेनली कर्म फल का चक्रण एक हो गया, फिर कार्य और कारण का सिद्धांत दो हो गया, तीसरा हो गया पुनर्जन्म, पुनर्जन्म मरण चक्रण। इसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो कर्म का ही वो है इम्पैक्ट है, कि अगर आप कोई कर्म अच्छा करते हैं तो अगला जो जन्म आपका होगा, तो जरूरी नहीं है कि आपका मनुष्य योनि में जन्म हो, किसी भी योनि में जन्म हो सकता है। आप कुत्ता बन सकते हैं, आप बिल्ली बन सकते हैं, आप शेर बन सकते हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी जानवर बन सकते हैं, कुछ भी, या फिर नाली का कीड़ा भी बन सकते हैं, वो आपके कर्म में ही वो करेगा, डिपेंड करेगा। आप अगर अच्छा कर्म करेंगे, आप किसी को सताएंगे नहीं, आप दूसरे के प्रति सहयोग करेंगे, दूसरे के प्रति परोपकार की भावना रखेंगे, तो निश्चित रूप से आपको फिर से अच्छा एक जन्म मिलने वाला है। और आप वही दूसरे उल्टे काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको उल्टा ही जन्म मिलने वाला है। तो ये पुनर्जन्म का चक्रण है। तो ये है कर्म और फल का चक्रण। अब कर्म और फल के चक्रण ये सब हम समझने के पहले कुछ अब एग्जाम से ओरिएंटेड कुछ शब्द है उनका हम मतलब समझेंगे, जिससे हमको एग्जाम में कोई समस्या ना हो। इसमें हम लोग शब्दों को देखते हैं, मोस्टली तीन चार शब्द है, तीन चार टर्म है, उनका मतलब हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा, शायद नहीं सुना होगा तो लोग अभी देखने वाले,
इसमें सबसे पहला एक शब्द आता है आश्रव। आश्रव, ठीक है, हम चारों शब्दों को एक साथ ले लेते हैं। आश्रव हो गया, उसके बाद संवर, संवर या फिर संवरा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका मोक्ष, मोक्ष से पहले निर्जरा, निर्जरा, और चौथा आपका मोक्ष। ये चार शब्द हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये कर्म के सिद्धांत पे ही निर्भर करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि आश्रव क्या है। एक बहुत एकदम सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए कि आपके जीवन में कोई भी शुभ या फिर अशुभ जो कर्म होते हैं उनका आगमन, मतलब कि एंट्री गेट है। आश्रव क्या है? एंट्री गेट है किसका? शुभ अशुभ कर्मों का। आप समझ गए होंगे कि आपके जीवन में जो भी शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे कर्म का आना ही आपका क्या कहलाता है? आश्रव। ठीक, इतना आपके लिए काफी है। फिर उसके बाद आता है संवरा। संवरा शब्द को हम समझने के लिए आश्रव को अगर हम लोग डिवाइड करें थोड़ा सा, तो आश्रव दो प्रकार के होते हैं। आश्रव आपके एक द्रव्य आश्रव होता है, एक दूसरा भाव आश्रय होता है। थोड़ा सा आश्रव को हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। ये आपका एक होता है द्रव आश्रव, दूसरा आत्मा भाव आश्रव, ठीक है। अब द्रव आश्रव क्या है सर, और भाव आश्रव क्या है? तो द्रव आश्रव में है, हमने बोल दिया शुभ और अशुभ कर्मों का एंट्री होता है आपके जीवन में, वो क्या है? आपका आश्रव है। लेकिन द्रव आश्रव क्या है? जब उस कर्मों का प्रभाव आपके खुद के व्यक्तिगत लाइफ में पड़े तो आपका वो द्रव आश्रव कहता है। मतलब सॉरी, पर्सनली जब आपको इंटरेक्ट करे तो आपका द्रव आश्रव कहलाता है। और भाव आश्रव क्या कहलाता है? कि आपके उन कर्मों की वजह से जो अन्य जीव है, प्राणी है, उनको समस्या होती है, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ता है, तो आपको भाव आश्रव कहलाता है, मतलब अदर। तो आश्रव तक मुझे ऐसा लगता है ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या है संवर, संवर या फिर संवरा। तो संवरा को समझने से पहले, संवरा या फिर संवर, आश्रव समझा, संवर समझेंगे निर्जरा और मोक्ष, ठीक है। तो संवरा ये होता है कि जो आश्रव क्या होता है, सुख और दुख कर्मों का इंटरगेट, और संवर का ये मतलब है कि जो आश्रव, आश्रव दैट मीन सुख दुख का आना हुआ, उसको रोकना। संवरा क्या है? ये स्टॉपेज है किसका? आश्रव का। अब आश्रव क्या है? सुख दुख, मतलब जो भी आपके जीवन में सुख या दुख वाले कर्म आते हैं उनको रोक देना ही संवर कहलाता है, ठीक है, या फिर संवरा कहलाता है। मतलब इसको स्टॉपेज बोला जाए, ये आपको बात क्लियर हो गई, ठीक ना। उसके बाद हम लोग आते हैं निर्जरा में। अब निर्जरा क्या है? तो निर्जरा का ये मतलब होता है, निर्जरा पहले पुद्गल एक शब्द आपने सुना होगा, पुद्गल मतलब अच्छे कर्म कुल मिला के कहा जाए। तो इसमें निर्जरा में क्या होता है? एक होता है कर्म, ध्यान दीजिए, और आत्मा। तो कर्म और आत्मा, जब आप सांसारिक जीवन में रहे कर्म रहेंगे, आत्मा उसके बाद आप जब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, तो कर्म और आत्मा का अलग होना ही निर्जरा कहलाता है। दैट मीन्स कर्म पुद्गलों का क्षय कहा जाए तो, मतलब कर्म पुद्गल का क्षय। ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका निर्जरा कहलाता है, ठीक है। ये हम लोग आगे बौद्धिज्म और जैनिज्म में मेन ये टर्म मिलते हैं, पर अभी हम लोग इसको समझते चलते हैं, ठीक।
अब आता है आपका मोक्ष। मोक्ष मतलब कैवल्य की प्राप्ति कहा जाए, एक तरह से कहा जाए। आत्मा और इस कर्म के बंधन से अलग हो जाना ही ये सब मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष मतलब लास्ट स्थिति, सबसे सबसे टॉप जिसको बोलते हैं, वो बेहतरीन स्थिति मोक्ष कहलाती है। आत्मा का एक तरह से कहा जाए शुद्ध रूप, जहां पर आपका कर्म मोह ये सब नहीं रह जाता, वो आपका मोक्ष कहलाता है। ठीक है, इतना शब्द, ये शब्द चार आपको याद रखना है, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। आश्रव इंपॉर्टेंट है, एक गेट एंट्री गेट कहा जाए, द्वार है शुभ अशुभ कर्मों का। संवरा क्या है, जो आश्रव आते हैं उनको रोक देना है। और निर्जरा का मतलब है कर्म का आत्मा से अलग होना। ठीक है, मोक्ष का मतलब आत्मा का शुद्धतम रूप। एक नैरात्मवाद एक शब्द आपने सुना होगा, इसके बाद हम लोग आएंगे बौद्ध धर्म में। ठीक है ना, बौद्धिज्म जब पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगा। उसके पहले हम लोग एक शब्द याद कर देख लेते हैं, नैरात्मवाद ये क्या होता है। तो नैरात्मवाद बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। नैरात्मवाद का यही मतलब है कि गौतम बुद्ध जी कर्मवाद पे विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, लेकिन आत्मा की जो अमरता है उस पे विश्वास नहीं करते थे। इसको ही नैरात्मवाद कहा जाता है, मतलब आत्मा की अमरता नहीं होती थी। तो ये है नैरात्मवाद में, ये बोधिज्म फिलॉसफी का एक शब्द है। ठीक है, तो आशा करते हैं ये कर्म का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। इसमें विशेष आपको ऑब्जेक्टिव बनने का है नहीं, एक दो बन गया ऐसे ही बन सकते हैं, संवर क्या है, निर्जरा क्या है, ऐसे शब्द बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार वीडियो को अच्छे देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ेंगे, जैन धर्म पढ़ेंगे, तो वहां एक आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा नोट्स बनाते चलिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।